उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बुंदेलखंड के ललितपुर जिले से दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से धमाकेदार जीत हासिल करते हुए भगवा लहराया है और सदर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रामरतन कुशवाहा और मेहरौनी विधानसभा से मनोहर लाल पंत ने धमाकेदार जीत हासिल की है। ललितपुर से भाजपा प्रत्याशी रामरतन कुशवाहा के जीत के बाद समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। क्या है उनके समर्थकों की जुबानी, सुनिए संवाददाता मनोहर सिंह चौहान की विस्तृत रिपोर्ट। भाई साहब, कौन सा गांव है ये? खेराडांग। खेराडांग से क्या आप अपने उत्साह में खड़े हो, क्या अपना पक्ष रखना चाहते हैं? पक्ष ये है कि भाजपा से विधायक जी श्री रामरतन कुशवाहा जी जीते हैं जी। वे एक विकास पुरुष हैं जी, एक जनता के जनता में मिलनसार जनप्रतिनिधि हैं जी। उनको रात के 12 बजे भी फोन लगाओ तो आपका उठाएंगे, वो बात करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। तो अभी मौजूद में सत्ता के तौर में जनाधार सबसे ज्यादा किस पार्टी के पक्ष में हैं आप? नहीं, यहाँ पर भाजपा जीती है, बहुत भाजपा जीती है यहाँ पर। कौन से गांव से? खेराडांग। आपका नाम? देवी सिंह बुंदेला जी। आपका नाम? मंडल मंत्री बार, सदर विधानसभा में गांव आता है हमारा जी। तो आप किसको, दोनों विधायकों को, जो दो कैंडिडेट जो जीते हैं भाजपा, क्या दोनों को आप बधाई देना चाहते हैं? जी जी, ललितपुर विधानसभा हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई बहुत बहुत जी। अपने ललितपुर की, ललितपुर और हमारे मन्नू जी जो मेहरौनी से है, मेहरौनी क्षेत्र से जी जी, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं जी। आपका नाम जान सकते? राजेंद्र सिंह जी। आपका नाम जान सकते? देवी सिंह बुंदेला, मंडल मंत्री बार जी जी।